दिल्ली च किसान मजदूर एकता अंदोलन दे चलदे होए सरकार पब्बा भार हो गई है। कई महीने तो शांत बैठे सरकारी कारकुन एकदम सुर्खियां विच आए हन। इस घटना ते सांझे ते खब्बे पक्षियां ने अपने अपने विचार लोका अगे रखे। सरकारी पत्रकारां वालों इस घटना की रज के निंदा की गई। सरकार अते सरकारी पत्रकारां ने अंदोलन विच बैठे किसानां मजदूरां नूं अतवादी ते देशद्रोही दस्या है। वक् वक् मोर्चियां ते पुलिस वालों संघर्ष कर रहे लोगों की कुटमार की अते कुछ लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। सरकार वालों इस संघर्ष को फेल करने लई पानी की सप्लाई भी रोकी है। बॉर्डर नूं तिखे किल कंडेदार तार ते कंक्रीट दीआं दीवारां नाल सील कर दिता गया है। माहौल तनावपूर्ण है पर किसानां वालों शांतमई अंदोलन जारी ते दिल्ली के बॉर्डर ते लहरा रहे झंडे ने चढ़दी कला का संदेश दिता है। हाँ हाँ सर, सुनिए तो सुबह से न्यूज में ही लगे हैं और न्यूज ही बना रहे हैं सर और भेज रहे हैं सर न्यूज। हर दो घंटे में इनका नया न्यूज कहाँ से बनाकर भेजें? बनाने की क्या जरूरत है, वो देख। चलो चलो। बाबा जी किसके साथ आए हो आप? किसका सपोर्ट है आपको? आतंकवादियों से क्या संबंध है आपका? फंडिंग कौन करता है? रोजाना कितना पैसा मिलता है आपको? पर डे कितना है आपका? किसकी सपोर्ट है आपको? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कैसे मनाओगे सरकार को? किसके सहारे? पावर क्या है आपकी? कैसे जोड़ोगे सबको? लोग तो टूट रहे हैं आपसे। देखिए बाबा जी, देखिए बाबा जी भाग रहे हैं। आतंकवादियों से क्या संबंध है आपका? फंडिंग कौन करता है? रोजाना कितना पैसा मिलता है आपको? कैसे मनाओगे सरकार को? किसके सहारे भिड़ रहे हो सरकार के साथ? हर रोज कितने पैसे मिलते हैं? कैसे जोड़ोगे सबको? लोग तो टूट रहे हैं। कैसे जोड़ोगे सबको? लोग तो टूट रहे हैं आपसे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। आज रिया
निहाल। बोले जितना हम इनको दबाते हैं उतना ये और ऊपर उठते जाते हैं। लेकिन हम और कितना नीचे गिर सकते हैं? Thank you.